जांच में ये पता चलते ही कि गॉलब्लैडर में स्टोन है यानी कि पित्ताशय में पथरी है, सबसे पहला ख्याल मन में आता है कि क्या हमें ऑपरेशन करके गॉलब्लैडर निकालना पड़ेगा और क्या गॉलब्लैडर निकलने के बाद हमारा डाइजेशन यानी कि पाचन हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्या गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हमें खाने पीने में बदलाव करने रहेंगे, क्या हमेशा के लिए जीवन भर के लिए खाने पीने में कुछ परहेज रहेंगे, कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ये कुछ और प्रश्न है। कई ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने पहले गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करवाया हुआ है और अभी छोटी मोटी कुछ पेट और पाचन संबंधित समस्याएं झेल रहे हैं और उनका मानना है कि ये गॉलब्लैडर के ऑपरेशन की वजह से हो रहा है। चलिए तो आज चर्चा करते हैं कि सब में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है और गॉलब्लैडर स्टोन, गॉलब्लैडर की सर्जरी को पाचन और खुराक से क्या लेना देना है। गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद पाचन में कोई फर्क नहीं आता है, यानी कि ऑपरेशन से पहले जिस तरह खुराक का पाचन होता है बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन के बाद में भी चालू रहता है। हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अगर गॉलब्लैडर नामक कोई अंग हमारे पाचन तंत्र के अंदर है और अगर हम उसको ऑपरेशन से निकालते हैं तो जाहिर है कुछ बदलाव तो हमारे डाइजेशन में उसकी वजह से आना चाहिए, पर हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे शरीर में एक अद्भुत कैपेसिटी होती है सारे बदलाव को एडजस्ट होने की, और जिनको भी गॉलब्लैडर में स्टोन होता है उनको वैसे भी गॉलब्लैडर कई सालों से नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है, उसका काम सुस्त हुआ होता है या पूरी तरह से बंद हुआ होता है और हमारा बॉडी ऑलरेडी इस बदलाव को एडजस्ट हो गया होता है। ऐसे गॉलब्लैडर को ऑपरेशन करके निकालने के बाद मरीज को कोई पाचन में बदलाव महसूस नहीं होता है और ऑपरेशन के कुछ ही समय में मरीज वापस अपने नॉर्मल खुराक पे आ सकता है। पित्ताशय की पथरी या पित्ताशय के ऑपरेशन की वजह से पाचन में समस्या आती है, ये गलत फहमी इसीलिए होती है क्योंकि पेट और पाचन संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में सही और योग्य जानकारी नहीं होती। पेट की कुछ सामान्य समस्याएं जैसे कि कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स जिसमें मरीजों को सीने में जलन या सीने में दर्द होता है, गैस ब्लोट सिंड्रोम जिसमें मरीज को पेट फूला हुआ लगता है, पेट में गैस होने जैसा महसूस होता है, और IBS यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जिसमें मरीज को पेट में दर्द या मरोड़ उठता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं काफी आम है और कई बार मरीजों को एक साथ दो या तीन समस्या साथ में हो वैसा भी होता है। जैसे ही ये सारी समस्याएं किसी भी इंसान को लाइफ में किसी भी स्टेज में हो सकती है, वैसे ही ये समस्याएं कई बार मरीजों को पित्ताशय के पथरी के साथ या पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद कभी भी हो सकती है, भले ही वो पित्ताशय की पथरी और ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ ना हो। और इन्हीं जानकारी के अभाव की वजह से हमें ये महसूस होता है या हम हमारे पेट और पाचन की इस समस्याओं को गॉलब्लैडर स्टोन या गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के साथ गलत तरीके से जोड़ देते हैं। पित्ताशय की पथरी के साथ और पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद खानपान और आहार संबंधित हमारी सलाह यही है कि आपको एक सामान्य स्वस्थ और हेल्दी खुराक खाना चाहिए। पित्ताशय की पथरी की वजह से या पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद में कोई विशेष आहार में बदलाव की जरूरत नहीं रहती है, कोई विशेष परहेज नहीं रहता है और किसी प्रकार का अलग तरीके से खुराक लेने की जरूरत नहीं रहती। हालांकि ये जरूर है कि अगर आपका खान पान गलत है, आपका आहार सामान्य तौर पर अनहेल्दी है तो उसमें बदलाव बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अनहेल्दी खाना जैसे कि जंक फूड, तला हुआ खाना, ज्यादा घी तेल बटर वाला और मसालेदार खाना काफी ज्यादा मात्रा में खाते हैं या फ्रीक्वेंटली खाते हैं यानी कि बार बार खाते हैं तो आपको अपने खान पान के तौर तरीके बदलने चाहिए। खासकर अगर आपको पाचन संबंधित अलग
और समस्याएं हो रही है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, गैस ब्लोट, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो स्थिति में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि खान पान के तरीकों में सुधार के बिना ये सारी समस्याओं को हमेशा के लिए और परमानेंटली कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। और खान पान के बदलाव के साथ ही आप दवाइयों और इलाज की जरूरत को कम कर पाएंगे। जब हम पाचन संबंधित अन्य समस्याओं को पित्ताशय की पथरी या पित्ताशय के ऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं, तो समस्या ये आती है कि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि इन समस्याओं के लिए हमें अलग से इलाज की जरूरत है। अगर हम ऑपरेशन के पहले की बात को ध्यान में ले तो मरीज को ये लगता है कि ये सारी समस्याएं पित्ताशय की पथरी की वजह से है जो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी, हालांकि वैसा होने नहीं वाला है। आमतौर पर सर्जन आपको ऑपरेशन से पहले ही विस्तार से समझाते हैं कि आपकी कौन सी पेट और पाचन संबंधित समस्या पित्ताशय की पथरी की वजह से है जो ऑपरेशन के बाद सुधर जाएगी, और कौन सी समस्या अन्य पाचन संबंधित बीमारी है जिसके लिए आपको अलग से दवाइयों की या इलाज की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन से सिर्फ वही समस्या ठीक होने वाली है जो गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से है, जैसे कि पेट के राइट साइड पे होने वाला खुराक के बाद का दर्द या वॉमिटिंग, बार बार पेन किलर इंजेक्शन की जरूरत पड़ना या हॉस्पिटल में जाना। और हम ऑपरेशन इसीलिए भी करते हैं ताकि गॉलब्लैडर स्टोन के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और गॉलब्लैडर कैंसर, उसको हम रोक सकें। ये सारी जानकारी के बिना ये होने की काफी संभावनाएं हैं कि आप ऑपरेशन के रिजल्ट से, ऑपरेशन के परिणाम से संतुष्ट ना हो। अगर हम ऑपरेशन के बाद की बात करें तो भी कई मरीज ऐसे हैं कि जिनको पाचन संबंधित अन्य समस्याएं हैं और उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, उनको ये लगता है कि ये सारी समस्याएं पित्ताशय निकलने की वजह से है और इसीलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान लिया है कि ये सारी समस्याएं अभी कभी नहीं सुधर सकती है और उनको पूरे जीवन भर इस समस्याओं के साथ ही जीना होगा। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है कि जिनको पेट संबंधित समस्याएं हैं और आपको ये लगता है कि ये आपके पिछले गॉलब्लैडर के ऑपरेशन की वजह से है, तो ये चीज गलत है और आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे कि आपकी ये सारे पाचन संबंधित समस्याओं का सिंपल दवाइयों से, कुछ खान पान और जीवन शैली के बदलाव से परमानेंट सॉल्यूशन आ सके। आशा रखता हूं कि ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं मदद रूप हुई होगी। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है, आपको और कोई सलाह की जरूरत है, तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।